एक्सरसाइज 3.4 ये बाकी है ना हर्षवर्धन, ये आपने कंप्लीट किए? सर हम मग में नहीं, कल कल आप एब्सेंट थे ना, तो चलो मैं इसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो एक्सरसाइज 3.4 हर्षवर्धन, इसमें क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, इसमें हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अभी जैसे कि फर्स्ट वाला सम है 20 एंड 28 के, आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले तो कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे हर्षवर्धन, देखो यहाँ पे तो 20 किसके टेबल में आता है, तो पहले हम 1 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो भी 20 आएगा, ओके। फिर किसमें आएगा, 2 टेंस, 3 के टेबल में नहीं आता है, ओके। फिर आएगा 4 5, ये 20 के फैक्टर हो गए। तो 20 के फैक्टर कौन कौन से हुए हर्षवर्धन, 20 के फैक्टर हुए 1 2 4। देखो ये हम ऑलरेडी हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ओके, कि कैसे फैक्टर फाइंड किया जाता है, 5 10 एंड 20, ओके। ये फैक्टर हुए 20 के, अभी हम फाइंड करेंगे 28 के फैक्टर, ये फैक्टर किसके थे, 20 के, ओके। अभी 28 के फैक्टर को फाइंड करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 28 तो आ ही जाएगा, ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 28। फिर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 14, ओके। फिर 3 के डबल में 28 नहीं आता है, 4 7 जा 28, ओके। उसके बाद में देखो 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल ऑलरेडी लिखते हो, इसके फैक्टर में मिल गए। तो 28 के फैक्टर में कौन कौन से मिले हर्षवर्धन, 1 2 4, सेवन 40 28। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन हो वैसे फैक्टर, तो देखो 1 दोनों कॉमन है, हाँ है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, ओके। फिर देखो और कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 2 एंड 4, गेटिंग माय पॉइंट हर्षवर्धन, कॉमन फैक्टर कौन से हुए, 1 2 एंड 4, आपको पता चला हर्षवर्धन? यस सर। ओके, तो अभी देखो आपको 15 एंड 25 के सपोज के फैक्टर फाइंड करने हो तो आप कर सकते हो। देखो 15 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 15 के फैक्टर हो गए 1 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 is also 15, ओके। तो ये फैक्टर मिल गए 15 के, कौन कौन से मिले, 1 3 5 15, फिर आएगा 5 5 जा, ओके। तो देखो एक फैक्टर में एक ही बार लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 एक ही बार लिखना है, 1 5 एंड 25। अभी दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हुए, देखो 1 कॉमन है दोनों में, आ है 3 नहीं, फिर दूसरा कॉमन है 5, तो कॉमन फैक्टर कौन से मिले यहाँ पे, कॉमन फैक्टर हमें मिले 1 एंड 5, getting my point? Yes sir. Okay. तो देखो इसको कैसे लिखना है वो भी देख लो आप, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो भी ले लो, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो हर्षवर्धन। ले लिया सर। ले लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हर्षवर्धन ऐसा ही आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, पर यहाँ पे 3 नंबर हमें दिए, तो वैसे आपको 3 नंबर के फैक्टर फाइंड करने हैं, उसके बाद में कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, getting my point? Yes sir. ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर।
चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, फाइंड थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ, फाइंड थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ. अभी हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीपल फाइंड करना है. ओके क्या फाइंड करना है, मल्टीपल फाइंड करना है. तो मल्टीपल ऑफ किसके फाइंड करना है, थ्री, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो पहले मल्टीपल देखो, सिक्स के मल्टीपल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिक्स के मल्टीपल लिख रहा हूँ. देखो सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव जा थर्टी, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, फोर्टी एट, फिफ्टी नाइन, 60. देखो पूरा 6 का टेबल मैंने लिख दिया. फिर मुझे फाइंड करना 8 के, 8 के मल्टीपल फाइंड करना. तो 8 वन सा 8, 60. देखो पूरा एट का टेबल लिख दिया है. देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से है. क्योंकि देखो दोनों में कॉमन कौन कौन से है, यहाँ पे देखो एक तो 24 दोनों में कॉमन है यहाँ पे, है ना सर? कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल. तो देखो 24 हमें कितने फाइंड करने, थ्री फाइंड करना है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थ्री कॉमन मल्टीपल फाइंड. ओके तो पहला तो 24 कॉमन था, उसके बाद में क्या कॉमन है देखो 24, 30, फिर यहाँ पे 48 कॉमन है ना. हमें दो मिल गए. ठीक है, अभी नहीं मिले तो देखो इसके आगे भी हम जाते हैं. देखो इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 66 होगा. होगा कि नहीं, तो अभी इसके आगे हम करते हैं. तो अभी 66, फिर इसके आगे क्या होगा, 66 प्लस 6 यानी कि 72 क्या होगा, 72 होगा ना. तो देखो 72 में यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके तो अभी देखो हमें और जो तीन कॉमन फैक्टर फाइंड करने थे वो मिल गए. कौन कौन से मिले देखो, अभी हमें मिला 72 जो दोनों में है ना. यस सर. हाँ दैट मीन्स तीन कॉमन मल्टीपल जो हमें फाइंड करने थे वो हमें मिल गए. ठीक है, कौन कौन से मिले, 24 48 72. ओके पता चला. पहले आपको क्या करना है, पूरा टेबल लिया, जहां तक आपको तीन कॉमन मल्टीपल नहीं मिले ना वहां तक उसको आगे हमें ले जाना है. ठीक है, उसके बाद में हमें मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल दोनों नंबर में आ रहे हैं. ओके तो देखो इसको आपको कैसे लिखना है वो भी देख लो. देखो कॉमन मल्टीपल 6 और 18. ठीक है, तो उसके कॉमन मल्टीपल यहाँ पे दिए ही है, तो वो भी आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो. सर ले लिया स्क्रीनशॉट. ओके देखो फिर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हर्षवर्धन. क्वेश्चन नंबर फोर है कि राइट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और 4. 100 से छोटे और 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल वो आपको लिखने हैं. ठीक है, तो 100 से छोटे एंड 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल. तो पहले तो आपको पूरा लिख देना है. देखो 3 1 3, 3 2 6, फिर 9, फिर क्या लिखना है 9, फिर क्या होगा 12, ऐसे करके करके आप 30 लिखोगे. 3 10 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, वैसा आप लिखोगे ना. उसके बाद में क्या करना है आपको, 100 तक आपको लिख देना है. लास्ट नंबर आएगा 99 आएगा. ओके 3 में फिर आपको वैसे ही 4 के लिखने. तो 4 के कौन कौन से, 4 1 4, 4 2 8, वैसे करते 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 4 10 40, फिर क्या होगा 44, फिर क्या होगा 48, वैसे आपको लिख देना है. ठीक है, फिर देखना है दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं.
तो कॉमन नंबर कुछ इस तरह से हो गए 12, 24, 36, 48, ये सारे नंबर कॉमन है, ठीक है? Getting my point? Yes, sir. और यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कॉमन यहाँ पे आपको मिल रहा है, सपोज कि देखो मल्टीपल ऑफ 3 में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपको क्या मिला, देखो दोनों में 12 मिला, यहाँ पे मिला ना 12, तो बाकी के सारे जो हो गए ना वो 12 के मल्टीपल ही हो गए, 12, 24, 36, 48, 60, ठीक है, वो सारे ही हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आपको फर्स्ट मल्टीपल कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ पे 12 फर्स्ट मिला हमें कॉमन, तो उसके मल्टीपल ही आगे चल के कॉमन मल्टीपल हो गए, ठीक है? वैसे देखो यहाँ पे सपोज की 12 एंड 80 है, तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन कौन से हो जाए, 12 एंड 80, 12, 24, 36, 48, फिर यहाँ पे क्या होगा, 12 18 है, 18, 36, 54, 72, ठीक है? तो कॉमन क्या होगा, 36 हमें पहला मिला तो दूसरा 72 ही होगा, यानी कि पूरा 36 का टेबल ही आएगा, फिर 36 वन जा 36, 36 टू जा 72, 36 जा 108, ठीक है? Getting my point? हर्षवर्धन, तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 का। सर ले लिया। ओके देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम, ठीक है? यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि कौन से नंबर को प्राइम है, ओके? तो देखो जैसे कि फर्स्ट वाला जो हमें नंबर दिया है वो क्या 18 एंड 35, क्या दिया है 18 एंड 35, तो उसके फैक्टर पहले आपको फाइंड करना है, फैक्टर कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है? तो और वैसे 35 का भी फैक्टर फाइंड करते, तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है ओनली वन, सिंस दैट कॉमन फैक्टर इज वन, हैज द गिवन टू नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम किसे कहते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन हो और वो होगा वन, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कोप्राइम नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन 5 का लेना है स्क्रीनशॉट? हाँ लेना है ना बेटा। यस सर ले लो। अभी नहीं, जब पहले समझ तो लो, फिर देखो दूसरा है 15 एंड 37, तो 15 के फैक्टर ये रहे 37 के रहे, तो इसमें भी ओनली वन कॉमन, सिंस देयर इज कॉमन फैक्टर इज वन, हैज द गिवन टू नंबर आर कोप्राइम। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। वैसे यानी कि एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए और वन, और तो वो नंबर को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया हर्षवर्धन? यस सर। ओके देखो ये पूरा है ई का, ठीक है? अब इसका भी ले लो, ई का बाकी था तो नीचे सर ले लिया, इसका भी ले लो सर ले लिया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, by which other number will that number be always divisible, ठीक है? तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो फैक्टर ऑफ 5 कौन से 1 एंड 5, फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन से 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 है, कॉमन फैक्टर क्या मिला हमें, ओनली 1 मिला, सिंस दैट कॉमन फैक्टर इज 1, द गिवन टू नंबर ऑफ कोप्राइम ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, यानी कि दोनों के अगर दोनों नंबर कोप्राइम होते हैं ना तो वो एक दूसरे के प्रोडक्ट से ही डिविजिबल होते हैं, यानी कि 5 12 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 60 से ही हो गए, देयर प्रोडक्ट 60, तो उसके फैक्टर कौन कौन से हुए, तो फिर आपको 60 के फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है? तो वो कैसे करने हैं वो तो मैंने आपको बताया। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Okay. वांसी तुम ऑनलाइन हो गई, तुम रोज ज्वाइन क्यों नहीं होती वांसी? सर मैं बीमार हो गई थी इसलिए। कितने दिनों तक बीमार थी वांसी? सर हाँ बोलो।
सर मैंने फोन पर एक फोन आ रहा है, मैं मीटिंग लीव कर दूं? देखो अभी मीटिंग बेटा एंड ही हो रही है, ठीक है? आप तो थोड़ी देर बाद उस फोन को कट कर दो और 5 मिनट के बाद उसे देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन ही हमारा बाकी है, उसके बाद ही मीटिंग खत्म हो जाएगी। ओके देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, सुनते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल? कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो दूसरे कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? देखो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया हर्षवर्धन? सर ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो। ले लिया सर। ओके तो देखो हर्षवर्धन एंड वांसी, यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो जाती है, ठीक है? वांसी देखो मैं ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा तो आप पूरी एक्सरसाइज वीडियो पॉज करके देख सकते हो। वांसी गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ तो पूरी एक्सरसाइज आपको लिख देनी है, एक्सरसाइज 3.4 जो है हमारी, उसको नोटबुक में अच्छे से लिख देनी है। ओके वीडियो ग्रुप में थोड़ी देर में आ जाएगा। ओके और मुझे ग्रुप में मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी करना है। ओके Pansi? Yes, sir. Okay, bye. Have a good day.